तो सबसे पहले अगर तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका सबसे पहले मीनिंग समझ लो कि होता क्या है करके। लेट्स से अगर तुम्हारे पास एक ये R1 है और ये R2 है, ठीक है क्या? तो मान लेते हैं कि ये किसी सर्किट का हिस्सा है, ठीक है क्या? तो यहाँ तुम ये बात देख सकते हो कि जितना करंट एक्चुअल में R1 से फ्लो करेगा, लेट्स से I, उतना ही करंट एक्चुअल में R2 से भी फ्लो करेगा, ठीक है क्या? तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम ये कहते हैं कि इसे ये दोनों रेजिस्टर्स R1 और R2, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाता है। सीरीज़ का मतलब जिसके थ्रू सेम करंट फ्लो करे। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है जो कि जिसमें कि सेम करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को तुम ये कहोगे कि वो सीरीज़ में है करके। यहाँ तुम देख सकते हो कि वो सभी एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये तीनों के थ्रू, इन तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू एक ही करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए तुम ये बोलोगे कि ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज़ में है करके। तो सीरीज़ वाले रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट बनाना बहुत ही आसान है। यू सिंपली ऐड देम अप, ठीक है क्या? R1 + R2 यहाँ पर, और यहाँ पर R इक्विवेलेंट तुम R1 + R2 + R3 यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है क्या? इस R इक्विवेलेंट का बेसिकली मीनिंग ये है, कहीं पर भी अगर तुमको ये R इक्विवेलेंट का मीनिंग ये है कि कहीं पर भी अगर सर्किट में तुमको लेट्स से कि कुछ रेजिस्टर्स ऐसे दिखाई पड़े, ऐसा कुछ, ये मैंने सर्किट का एक हिस्सा बनाया है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 3 ओम है, यहाँ 5 ओम है, और यहाँ लेट से 10 ओम है, ऐसा ये किसी एक बड़े सर्किट का हिस्सा है मान लेते हैं, ठीक है क्या? तो अगर तुम इस 2 ओम और 3 ओम के बजाय, यहाँ पर जो 2 ओम और 3 ओम दिखाई दे रहे हैं अगर इस सर्किट में, अगर तुम इस 2 ओम और 3 ओम के बजाय लेट से तुमने इसको रिप्लेस कर दिया विथ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, ऐसा, ठीक है क्या? तो भी इस ब्रांच के थ्रू करंट चेंज नहीं होगी, ठीक है क्या? सर्किट में कोई भी हिस्सा, कोई भी दूसरा हिस्सा अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है क्या? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बेसिकली मीनिंग है कि तुम एक्चुअल में भाई उस ब्रांच में करंट की वैल्यू को डिस्टर्ब किए बिना उसको एक दूसरे रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो। वो दूसरा रेजिस्टर जो होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहलाता है, ठीक है क्या? बेसिकली अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो लेट्स से R1 और R2, ये तुम्हारे पास एक सर्किट बना हुआ है, लेट्स से एक तुम्हारे पास बैटरी है, सेल है बेसिकली, जिसका EMF E है। इस चीज़ को तुम ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है क्या? R1 + R2, ये तुम्हारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन रहा, ठीक है क्या? जितना करंट इनिशियली फ्लो कर रहा था उतना ही करंट बाद में भी फ्लो करेगा। इनिशियली लेट से अगर I फ्लो कर रहा था तो बाद में भी I ही फ्लो करेगा उसमें, ठीक है क्या? कहीं भी अगर तुम्हें ऐसी चीज़ दिखाई दे जिसमें कि R1 और R2 एक के बाद एक आ रहे हो, या फिर मैं कहूँ कि अगर कभी तुम्हें दिखाई दे कि किसी दो रेजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट अगर गुजर रहा है, तो उन दोनों रेजिस्टर्स को तुम बेसिकली ऐड कर सकते हो, तो उस ब्रांच के थ्रू करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये रही सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात, ठीक है क्या? इसके अलावा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें स्टडी करना है इसके आगे, ठीक है क्या? ज़रूरी नहीं कि दो रेजिस्टर्स हमेशा सीरीज़ में हो या तो पैरेलल में ही हो सकता है वो ना भाई नाइदर सीरीज़ नॉर पैरेलल वाले सीन में भी हो सकते हैं। जैसे कि ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर, ये दोनों ना तो सीरीज़ में है ना तो पैरेलल में है, ठीक है क्या? तो पैरेलल का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। सीरीज़ का अभी तक हमने जो मीनिंग समझा है वो ये कि भाई करंट समान रहेगी, दो रेजिस्टर्स अगर उनके थ्रू करंट समान है तो वो दोनों रेजिस्टर्स कैसा सीरीज़ में कहलाते हैं, ठीक है क्या? पैरेलल तुम तब बोलोगे जब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस समान हो। अभी पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग तुम्हें अगले लेक्चर में, अगला जो वीडियो मैं पोस्ट करूंगा उसमें क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। अभी तुम ये समझ के रखो कि कोने बंधे हुए रहेंगे, दो रेजिस्टर्स लेट्स से R1 और R2 हैं तुम्हारे पास, ठीक है क्या? ऐसे दो रेजिस्टर्स हैं तुम्हारे पास, लेट्स से अगर तुम R2, अगर कोई तुमसे पूछे कि R2 किस दो पॉइंट्स के अक्रॉस का रेजिस्टेंस है, तुम क्या बताओगे? भाई ए और बी, ठीक है क्या? अगर कोई तुमसे ये पूछे कि भाई R2 जो रेजिस्टेंस है वो किन दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस है, तो तुम क्या बताओगे, अपना आंसर कैसे रिपोर्ट करोगे? ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है तुम ये रिपोर्ट करोगे कि R2 है, और यहाँ पर देखो R1 किन दो एंड पॉइंट्स के बीच में बंधा हुआ है, वो भी ए और बी ही है, ठीक है क्या? मैं ये बता रहा हूँ कि वो दो रेजिस्टेंसेस ऐसे जिनका कि एंड पॉइंट समान हो, या फिर जो दोनों अक्रॉस सेम एंड पॉइंट्स बंधे हुए हों, वो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कहलाते हैं। तो यहाँ पर R1 और R2 पैरेलल में, जैसे कि यहाँ पर ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर, ये दोनों पैरेलल में, क्यों? क्योंकि इसके कोने देखो,
ये जो 5 ओम है इसका एंड पॉइंट्स देखो कौन से, ये वाले, और ये जो 5 ओम है इसका भी देखो एंड पॉइंट्स यही है, यही दोनों इसके भी एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है क्या? तो कभी भी अगर तुम्हें ऐसे रेजिस्टेंसेस दिखाई दे जिनका कि एंड पॉइंट समान हो, तो उन रेजिस्टर्स को तुम ये कहोगे कि वो दोनों पैरेलल में है, ठीक है क्या? ये बहुत ही क्रूड भाषा है, ट्रिवियल भाषा है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम रहेगा, ये वाली लैंग्वेज में स्विच होने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अभी के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये लैंग्वेज सफिशिएंट होनी चाहिए कि अभी पहचानोगे कैसे। लेट्स से अगर तुम्हारे पास एक सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस है, दिया हुआ है, ठीक है क्या? ठीक, लेट्स से ये सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अभी इसमें तुम्हें पहचानना है कि पैरेलल में कौन कौन से रेजिस्टेंसेस हैं करके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भाई तुम ये देखो कि तुम्हारे पास 3 ओम और ये 5 ओम, ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। सीरीज़ में क्यों है? क्योंकि एक के बाद एक आ रहे हैं। देखो, यहाँ से जितनी करंट पास हो रही है उतनी करंट यहाँ से भी पास होगी, ठीक है क्या? ऐसे एक के बाद एक आने वाले जो रेजिस्टेंसेस रहेंगे वो एक्चुअल में सीरीज़ में कहलाते हैं, ठीक है क्या? तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, लेट से यहाँ पर कुछ करंट आ रही थी तो ऑब्वियस है वो स्प्लिट हुई होगी दो पार्ट्स में। लेट से यहाँ पर आई आ रही थी तो यहाँ पर I1 और I2 जाएगी, ठीक है क्या? अब ये करंट वगैरह कहाँ से आई, क्या आई, भाई ये ऑब्वियस है किसी बड़े सर्किट का हिस्सा है ना, ठीक है क्या? तो उस बड़े सर्किट में जितने में जो करंट फ्लो कर रही थी वो लेट से आई है, यहाँ से इस ब्रांच में आई अगर करंट फ्लो कर रही है तो ऑब्वियस है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है, I1 और I2 दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है वो करंट आई, ठीक है क्या? तो सीरीज़ और पैरेलल में पहचानने का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि अगर कोई सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, अगर उनके थ्रू करंट अगर की वैल्यू सेम रहे, करंट की वैल्यू अगर सेम रहे, जैसा कि यहाँ पर 3 ओम और 5 ओम के थ्रू करंट की वैल्यू सेम है, कितनी है दोनों के थ्रू, I1 है, तो तुम ये कहोगे कि 3 ओम और 5 ओम जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज़ में है, ठीक है क्या? अच्छा, सीरीज़ में होने पर हमने ये पढ़ा है कि सीरीज़ में अगर कोई भी रेजिस्टर्स तुम्हें मिले तो सिंपली उसे जोड़ लो। उसका प्रूफ हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे जब हम सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है क्या? तब तो अभी मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है क्या? 3 + 5 क्योंकि 8 होता है तो वो दोनों को मैंने जोड़ लिया, ठीक है क्या? और ये 20 ओम हो गया, ठीक है क्या? ऐसा, और बाकी का सर्किट वैसे का वैसे ही रीड्रॉ कर दो, ठीक है क्या? ये ऐसा, ठीक है क्या? तो ये ऊपर वाला जो सर्किट है तुम्हारे पास, ऊपर वाला जो सर्किट है और ये जो नीचे वाला सर्किट है, दोनों समान है। समान इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो, इस ब्रांच में जितनी करंट इनिशियली फ्लो कर रही थी I1 उतनी ही रहेगी बाद में भी, यहाँ पर जितनी करंट फ्लो कर रही थी I2 उतनी ही रहेगी बाद में भी। इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने के बाद भी सर्किट में कोई असर नहीं पड़ा है। सर्किट में असर नहीं पड़ा है इसका मतलब किसी भी ब्रांच की कोई करंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ठीक है क्या? यहाँ करंट इनिशियली भी I फ्लो कर रहा था, बाद में भी I ही फ्लो कर रहा है, ठीक है क्या? अब देखो ज़रा, सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने के बाद, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने के बाद, एक्चुअल में तुम्हारे पास दो रेजिस्टर्स ऐसे आए हैं जिनके की कोने समान हैं। देखो यहाँ पर 8 ओम जो है वो इन कोनों के बीच बंधा हुआ है, ठीक है क्या? और जो 20 ओम है वो भी इन्हीं दोनों कोनों के बीच बंधा हुआ है। लेट्स से ये दोनों पॉइंट्स को हम ए और बी मार्क कर देते हैं, तो द रेजिस्टर 8 ओम इज़ बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है क्या? सिमिलरली द रेजिस्टर 20 ओम इज ऑल्सो बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों रेजिस्टर्स कैसा पैरेलल में है, ठीक है क्या? दो रेजिस्टर्स जिनके की कोने समान हो या जिनके की एंड पॉइंट समान हो, वो रेजिस्टर्स पैरेलल में तुम कहोगे। उन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंसेस का जो फॉर्मूला रहता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहता है, वो मैं तुम्हें अभी सिंपली स्टेट कर दे रहा हूँ, उसे तुम डायरेक्टली एज फॉर्मूला अभी तुम इस्तेमाल करते जाओ। अगले वाले वीडियो में तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो चीज़ आती कहाँ से। डेरिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बट अभी सिर्फ और सिर्फ हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसी सर्किट का, उसके लिए ये फॉर्मूला सफिशिएंट है तुम्हारे पास। अभी सिर्फ तुम्हें इतनी बात पता रहनी चाहिए कि सीरीज़ किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच में तुम्हें सर्किट में अगर निकालना हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होगा कि किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है क्या? सर्किट अनअफेक्टेड रहे, जो टोटल करंट रहे वो समान रहे फॉर अ गिवन सेल, ये चीज़ इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब, ठीक है क्या? सर्किट को बेसिकली सिंप्लीफाई करना, ठीक है क्या? तो यहाँ देखो, अगर लेट से R1 और R2 दो रेजिस्टेंसेस हैं जो कि पैरेलल में हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल, ठीक है क्या, वो चीज़ ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है क्या? R1 R2 / R1 + R2, ठीक है ऐसा। तो ये बेसिकली आता है यहाँ से कि 1/R इक्विवेलेंट इसके बराबर रहता है।
अगर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस रहें तुम्हारे पास तो तुम कैसे कर लेना, ठीक है, ऐसा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन वन अपॉन आर एन। यहाँ पर एंड रेजिस्टेंसेस हैं तुम्हारे पास जो कि पैरेलल में है, उनका अगर तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो इतना आएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से आएगा। दो रेजिस्टेंसेस के लिए इतना आएगा ये, इसको देखो आर इक्विवेलेंट के लिए अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे ये चीज़ ऐसी आ जाएगी आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। तो ये चीज़ तुम्हें याद रहनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अच्छा अब देखें ज़रा इसी सर्किट को हम देख रहे थे, यहाँ पर ये 8 ओम और ये 20 ओम ये कैसा पैरेलल में, तो इसका अगर तुम्हें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो कैसे करोगे, इसका अगर तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे करोगे, ये वाली चीज़ को ज़रा कॉपी कर लेते हैं। अच्छा चलो, तो यहाँ 2 ओम तो वैसी का वैसी रह गया, अब 8 ओम और 20 ओम ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों का पैरेलल कितना आएगा तुम्हारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 8 20 और ये 20 प्लस 8 वाया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास 8 टाइम्स 20 डिवाइडेड बाय 28, तो ये हो गया तुम्हारे पास 2 4 ज़ा और 14, ठीक है, 2 2 ज़ा 2 7, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास 40 बाय 7। तो यहाँ पर तुम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो 40 बाय 7 ओम का, और फिर ये वाला रेजिस्टेंस तुम लगा सकते हो यहाँ पर, ये जो 10 ओम है ये वैसी का वैसी यहाँ पर लिख दो, ठीक है, ये चीज़ आ गई तुम्हारे पास। अब देखो तुम यहाँ पर ये सर्किट मेरा सिंप्लीफाई हो चुका है, ये वाला जो सर्किट है मेरे पास, ये वाला जो सर्किट है मेरे पास ये सिंप्लीफाई हो चुका है, और द सिंप्लीफाइड सर्किट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा। अब देखो यहाँ पर तीन रेजिस्टेंसेस हैं, इसके थ्रू जितनी करंट जाएगी उतनी इसके थ्रू भी जाएगी, उतनी इसके थ्रू भी जाएगी, बेसिकली सीरीज में है ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ 2 प्लस 40 बाय 7 प्लस 10, ठीक है क्या, तो ये तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट इतना आ जाएगा। अब ये सर्किट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 प्लस 40 बाय 7 दैट विल बी 84 124 बाय 7 ये आ जाएगा। तो इसको तुम कैसा लिख सकते हो 124 बाय 7 ओम्स, ठीक है क्या, ये आ जाता है भाई तुम्हारे पास। तो ये एक सिंपल से सर्किट का जो इनिशियल सर्किट मेरे पास ये था, इनिशियल सर्किट जो मेरे पास ये था, इसको मैंने धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हुए बताया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे तुम निकालोगे करके, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें सीरीज़ में दिख रही है, जो जो चीज़ें पैरेलल में दिख रही है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक 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 करके निकालते जाओ और धीरे धीरे सर्किट को सिंप्लीफाई करते जाओ। ये बात मायने रखती है कि किन दो पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल में तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो। लेट्स से एक दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं, लेट्स से ये ऐसा कुछ है तुम्हारे पास, ठीक है, और ये ऐसा जुड़ा हुआ है, वैल्यूज थोड़ी सी अच्छी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है क्या, फाइंड आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ये चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इसमें प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करते जाओ क्या क्या होंगे करके, ठीक है क्या, इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये दोनों रेजिस्टेंसेस तुम्हारे पास सीरीज में है, ठीक है क्या, तो इन दोनों को तो डायरेक्टली तुम ऐडअप कर सकते हो। तो इसका जब तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक स्टेप में एक ही काम करना, ठीक है क्या, तो ये जब बनाओगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो गया 20 ओम, ठीक है क्या, और ये दोनों जब ऐडअप हो जाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंसेस जब ऐडअप हो जाएंगे 15 ओम और 5 ओम, तो वो तुम्हें देगा 20 ओम, ठीक है क्या, और यहाँ पर 10 ओम वैसी का वैसी, ठीक है, ये ऐसा, ये तुम्हारा बी पॉइंट है और ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर एक और 20 ओम और एक बना हुआ है, ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसमें तुम देखो ये वाला जो 20 ओम है, ये वाला जो 20 ओम है और ये वाला 10 ओम, ये दोनों भी सीरीज में है, वाई, बिकॉज ये एक ही ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है ये एक ही ब्रांच है भाई, क्योंकि एक ही करंट इसके थ्रू भी फ्लो करेगा और इसके थ्रू भी एक ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो भी एक ब्रांच वाले जितने भी रेजिस्टेंसेस रहते हैं वो सबको ऐडअप किया जा सकता है, उसी को तुम सीरीज में बोलोगे, ठीक है क्या। इसमें ध्यान देने की बात ये है कि अच्छा ठीक है, अभी ये दोनों 20 ओम और 10 ओम भी सीरीज में है, तो ये दोनों क्लब होकर बेसिकली
30 ओम बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको हटा लेते हैं, ठीक है। वो दोनों 20 ओम और 10 ओम की जगह मैं यहाँ पर 30 ओम लिख लेता हूँ। अब तुम देखो इस रजिस्टर के, ये रजिस्टर किन दो पॉइंट्स के बीच में बंधा हुआ है, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है क्या, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में बंधा हुआ है। ये वाला जो रजिस्टर है ये भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में बंधा हुआ है, और ये वाला जो रजिस्टर है ये भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में बंधा हुआ है, ठीक है क्या। तो 20 ओम 20 ओम, ये वाला 20 ओम, ये वाला 20 ओम और ये वाला 30 ओम, दोनों के एंड पॉइंट सेम है। तो जब भी ऐसा हो कि ऐसे रजिस्टर्स तुम्हें मिले जिनके कि एंड पॉइंट समान हो, ऐसे रजिस्टर्स को तुम एक्चुअल में पैरेलल में बोलते हो। तीन रेजिस्टेंसेस हैं तुम्हारे पास, R1 20 ओम, R2 20 ओम और R3 30 ओम, ये तीनों के तीनों पैरेलल में, ठीक है क्या। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम कैसे निकालोगे, 1/R eq = 1/20 + 1/20 + 1/30, ये फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है क्या। तो LCM कितना होगा, 20 और 30 का 60, ठीक है क्या। तो ये चीज़ हो जाएगी 3 + 3 + 2, ठीक है, 6 × 2 = 8, 8 × 7। तो R इक्विवेलेंट इसलिए तुम्हारे पास आ जाएगा 60/8, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ये 7.5 ओम, इतना आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 7.5 ओम, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले सवालों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि कैसे करना है करके, सीरीज़ का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है और पैरेलल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। तो ये बात ध्यान में रखना कि सीरीज़ में वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसा चलता रहेगा, ठीक है क्या। ये एक ही करंट सभी रेजिस्टर्स के थ्रू जब फ्लो करेगा तब इस तरह के कॉम्बिनेशन को एक्चुअल में सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलोगे तुम। और इस तरह के कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट होगा R1 + R2 + R3, सिंपली एडिशन कर देना उनका, एंड रेजिस्टर्स जो कि सीरीज़ में हैं उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो उनका एडिशन होगा, उनका समेशन होगा, ठीक है क्या। तो इसमें ये बात ध्यान देना है कि जो R इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है क्या, ये चीज़ ध्यान में रखना। R विल बी ग्रेटर देन R1, R विल बी ग्रेटर देन R2, R विल बी ग्रेटर देन Rn, ऐसा करते करते, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। अच्छा, पैरेलल तुम कब बोलोगे, लेट्स से ये दो एंड पॉइंट्स हैं A और B, इसके बीच में मैंने एक R1 बनाया, इसके बीच में एक और एक R2 बनाया, इसके बीच में एक और एक R3 बनाया, इसी के बीच में एक और एक R4 बनाया, ऐसा। तो ये R1, R2, R4, R1, R3, R2, ये सभी एक्चुअल में दो एंड पॉइंट्स के बीच में है, ये दोनों ए और बी के बीच में है, ठीक है क्या। जैसे कि यहाँ पर देखो, ऊपर में देखो, जैसे लेट से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है क्या, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ऐसा। तो R1 देखो किन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी, ठीक है क्या, R1 हो गया ए और बी के बीच में। R2 देखो किन दो पॉइंट्स के बीच में, R2, ठीक है क्या, देखो बी और सी के बीच में, ठीक है क्या, R2 हो गया तुम्हारा बी और सी के बीच में। R3 देखो तुम्हारा किन दो पॉइंट्स के बीच में, सी और डी के बीच में, ठीक है क्या। ये पैरेलल में नहीं है, ठीक है क्या, ये पैरेलल में नहीं है यहाँ पर, लेकिन देखो तुम R1, R2, R3 और R4 सभी दो पॉइंट्स के बीच में है, और वो दोनों पॉइंट्स एक्चुअल में ए और बी है, ठीक है क्या। ऑल द रेजिस्टेंसेस लाई बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है क्या। तो इसीलिए तुम ये कहोगे कि R1, R2, R3 और R4 कैसा पैरेलल में है, और इस केस में तुम 1/R इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हो, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, ऐसा, ठीक है क्या। इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि R इज़ एक्चुअली लेस देन R1, R इज़ एक्चुअली लेस देन R2, ऐसा करते हुए R इज़ एक्चुअली लेस देन Rn, ठीक है क्या। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में आता है वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा ही रहता है, ठीक है क्या, ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक और दो चार इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे एक्चुअल में शीट के कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है क्या। तो शीट के कुछ सवाल ले लेता हूँ मैं, वाले सवाल अभी दिख नहीं रहे मेरे को, ठीक है। शीट एक्चुअल में यहाँ पर है मेरे पास, हाँ ठीक। तो इसमें देख लेते हैं अपन,
कौन कौन से सवाल मिल सकते हैं हमको, ठीक है क्या? इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना है भाई, ठीक है क्या? तो ये वाला एक पिकअप करके देख लेते हैं, ठीक है क्या? इस पैटर्न का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड, ठीक है क्या? वैल्यूज चेंज कर लेता हूँ मैं अपने हिसाब से, ठीक है। 28 का सेकंड, ये वाली चीज़ देखना ज़रा, ठीक है। तो क्वेश्चन 28 का सेकंड देखो, ठीक है। कुछ इस पैटर्न का सवाल है। लेट से ये हो गया 20 ओम, ठीक है क्या? लेट से ये हो गया ऐसा कुछ, ये 10 ओम हो गया, ठीक है क्या? ये ऐसा दिया हो 10 ओम, ये 20 ओम, ठीक है, ये 30 ओम दिया हुआ है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के बीच में तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे इस तरह के सवाल को। यहाँ पर देखो, सबसे पहले सीरीज और पैरेलल में तुम आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर दो। ये देखो, ये एक ही ब्रांच है, ये जो पूरी है ये एक ही ब्रांच है भाई। 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम सीरीज में होंगे। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू जितना करंट जाएगा उतना ही इसके थ्रू भी जाएगा, उतना ही इसके थ्रू भी जाएगा, एक के बाद एक आ रहे हैं। इसमें ये बात ध्यान में रखना कि ये और ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ से जितना करंट जाएगा वो एक्चुअल में स्प्लिट हो रहा है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है क्या? तो ये दोनों सीरीज़ में मत ले लेना, या फिर ये दोनों सीरीज़ में मत ले लेना, ऐसा नहीं है। ये एक ब्रांच नहीं है, एक ब्रांच तुम किसको बोलोगे? देखो यहाँ पर ब्रांचेस कितनी कितनी है, यहाँ पर ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ठीक है। दूसरी ब्रांच कौन सी है? ये एक और दूसरी ब्रांच है। तीसरी ब्रांच कौन सी है? ये एक और एक और ब्रांच है, ठीक है। तो ब्रांच तुम तब बोलते हो जब तक के करंट स्प्लिट नहीं होती, ठीक है क्या? जैसे भाई ये चीज़ ऐसी हो रही है, ठीक है, लेट से ये किसी एक सर्किट का हिस्सा है, ठीक है क्या? यहाँ पर देखो भाई, लेट से एक करंट यहाँ से जा रही है, वो देखो स्प्लिट हो गई। तो ये एक ब्रांच रही, ये एक और ब्रांच रही, ये एक दूसरी ब्रांच रही, ठीक है क्या? फिर ये दूसरी ब्रांच है, ये एक और दूसरी ब्रांच है, ये अलग एक ब्रांच है, ये एक और एक ब्रांच है। जब करंट स्प्लिट होगी, जहाँ पर करंट स्प्लिट होगी, तो मतलब ब्रांचेस चेंज हो जाएगी। फिर ये बात ध्यान में रखना, एक ब्रांच का एक ही रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है क्या? तो अगर कभी तुम्हारे पास ऐसा रहे कि एक ही ब्रांच में अलग 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 रेजिस्टेंसेस हैं, लेट से कुछ अगर मामला ऐसा हो रहा है कि भाई ये ऐसा, लेट से ये 20 ओम है, ठीक है क्या? ये स्प्लिटिंग हुई, फिर ये 20 ओम रहा, ये 10 ओम रहा ऐसा, ये 10 ओम्स रहा ऐसा, ठीक है क्या? ये मान लो 40 ओम है, ये मान लो फिर 50 ओम है ऐसा। तुम ये देख सकते हो कि यहाँ पर करंट जैसे जो जा रहा था, यहाँ पर और यहाँ पर स्प्लिट करेगा, ये अलग अलग ब्रांचिंग हो गई है। तो ये दोनों एक ही ब्रांच के बाशिंदे हैं, ठीक है क्या? ये दोनों को तुम क्लब कर सकते हो, 10 ओम लिखा हुआ है बेसिकली ये। तो ये इसको हटाकर तुम एक्चुअल में ये काम कर सकते हो कि 30 ओम लिख लो करके, ये दोनों को हटाकर तुम एक्चुअल में 30 ओम लिख सकते हो। और फिर यहाँ देखो, ये 40 ओम और ये 50 ओम, ये दोनों भी ये कैसा सीरीज में है, तो ये दोनों को हटाकर तुम एक्चुअल में 90 ओम लिख सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो आगे अपना सवाल सॉल्व करते हैं। ये एक ही ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है तुम्हारे पास, ये एक ही ब्रांच है, तो एक ब्रांच एक रेजिस्टेंस, ठीक है क्या? तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर लोगे? ये 20 ओम हो गया, ठीक है क्या? ये तुम्हारे पास हो गया, ये दिया हुआ तुम्हारा, लेट से 10 ओम रख लो इसको, ठीक है। देखो ये 10 ओम, ये 20 ओम और ये 30 ओम, ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा? देखो तुम्हारे पास एक ही क्या बोलते हैं ब्रांच के हैं ये सारे के सारे, ठीक है क्या? ये ए है, ये बी है, तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 10 + 20 30 हो गया, 30 और 30 60 ओम हो गया, ठीक है। तो 60 ओम हो जाता है तुम्हारे पास। अब देखो क्या होगा, ये देखो, ये वाला जो रजिस्टर है और ये वाला जो रजिस्टर है, ये दोनों इसी कोनों के अक्रॉस बंधे हुए हैं, तो ये दोनों पैरेलल आ गए, ठीक है। तो 10 पैरेलल 60, दैट विल बी इक्वल टू 60 × 10 / 60 + 10, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 600 / 70, दैट वुड बी 60/7 ओम्स, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। तो इस सर्किट को फर्दर सिंप्लीफाई अगर तुम करो तो वो चीज़ कितनी आ जाएगी? देखो ये सर्किट अगर फर्दर सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, इसको तुम कितना लिख सकते हो? ये 10 ओम और ये 60 ओम, ये तो ख़त्म हो गए, उसकी बजाय आ गया तुम्हारे पास 60/7, ऊपर बना हुआ है तुम्हारे पास 20, ये हो गया 60/7 ओम्स, ठीक है। और फिर ये वाला तुम्हारे पास आ गया कितना है? 10 ओम्स है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तुम देख सकते होगे कि ए और बी के अक्रॉस अब मैं सर्किट को कैसा धीरे धीरे रिड्यूस करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये पूरी एक ब्रांच है, तो 20 ओम, 60/7 ओम्स और 10 ओम्स तीनों ही रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम कैसे बना लोगे? ये ऐसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका तुम कैसे बना लोगे? ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे बना लोगे? 20 + 60/7 + 10, ये कितना हो जाएगा? देखो तुम्हारे पास 30 + 60/7, दैट वुड बी 270/7 ओम, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 270/7 ओम्स, ठीक है। ये हो जाना है तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे ख्याल में अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा काफ़ी ठीक तरह से, ठीक है।
और दो चार इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ये 10 ओम है, ठीक है। ये 10 ओम, ठीक है। हो गया ये 20 ओम्स है, तो ये 20 ओम ले लो, ठीक है। ये एक सवाल है, इन दो पॉइंट्स के बीच में तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या कैसे करोगे? अब इसमें सीरीज और पैरेलल तुमको समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज और पैरेलल कौन कौन रेजिस्टेंसेस हैं, कहाँ कहाँ हैं, किधर किधर है, ठीक है। क्या तो सबसे पहले देखो, सीरीज़ वाली चीज़ सबसे आसान रहती है, वो सबसे पहले दिख जाती है कहाँ कहाँ पर फैक्ट है। इसमें एक ब्रांच ढूंढो, देखो इसमें ब्रांचेस कितनी कितनी है। देखो ये एक ब्रांच है, ये अगेन एक और ब्रांच है, ये अगेन एक और ब्रांच है। तुम ब्रांच तभी बोल सकते हो जब स्प्लिटिंग ना हो रही हो करंट की। तो ये एक ब्रांच हुई, ये तीनों ब्रांचेस बना ली मैंने। फिर देखो ये एक और ब्रांच है, ये एक और ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है। अब देखो ये वाली जो ब्रांच है इसमें देखो दो रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, दिख गया क्या? 10 ओम और 10 ओम, ठीक है। एक ब्रांच और एक रेजिस्टेंस, ये वाला रूल अपन अप्लाई अगर करें तो भाई ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये वाला जो 10 ओम है और ये वाला जो 10 ओम है, ये दोनों तुम्हारे पास सीरीज में है, ठीक है। क्या ये दोनों को क्लब कर लेते हैं, तो नाउ आवर सर्किट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। बाकी का जो सर्किट डायग्राम है वो मैं वैसी का वैसी बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 10 ओम, ये हो गया तुम्हारे पास 20 ओम, ठीक है। ये हो गया 20 ओम और ये हो गया 10 ओम, ठीक है। अब देखो ये वाले दोनों को अगर तुम क्लब कर रहे हो तो उसका इक्विवेलेंट तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? ये हो गया 20 ओम, ठीक है। ये 20 ओम आ गया तुम्हारे पास, ये ऐसा। अब देखो उसमें ये वाला जो रजिस्टर है 20 ओम और ये वाला जो रजिस्टर है 20 ओम, ये दोनों एक्चुअल में इन दो पॉइंट्स के बीच में बंधे हुए हैं, ठीक है। दोनों के एंड पॉइंट सेम है, तो एंड पॉइंट जब भी सेम रहते हैं तो वो दोनों रजिस्टर्स क्या रहते हैं भाई? पैरेलल में रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का पैरेलल एक्चुअल में कितना होगा? कोई भी दो रजिस्टर्स जो कि समान वैल्यू के हैं, ये दोनों का पैरेलल इतना होता है R/2 करके देख लो। R² R × R वुड बी R², R + R वुड बी 2R, तो ये चीज़ हो जाएगी R/2। ये चीज़ तुमको याद होनी चाहिए। दो इक्वल रेजिस्टेंसेस का अगर तुम पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो आधा हो जाता है, 5 और 5 का 2.5 हो जाएगा, 10 और 10 का 5 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है क्या? तो इन दोनों रजिस्टर्स को अगर तुम कंबाइन करोगे इन पैरेलल तो वो चीज़ तुम्हारे पास इतनी आ जाएगी, ठीक है क्या? ये हो गया तुम्हारे पास 10 ओम, ठीक। उसके बाद देखो ये हो गया तुम्हारे पास 20 ओम। बाकी का सर्किट डायग्राम मैं वैसी का वैसी बना दे रहा हूँ, ठीक है क्या? ये बेसिकली कंबाइंड रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, ठीक है क्या? ये जो 10 ओम आया है ये इस 20 ओम को और इस 20 ओम को क्लब करके आया है, ठीक है क्या? अच्छा, उसके बाद देखो ये हो गया तुम्हारे पास 10 ओम और ये तुम्हारे पास हो गया 20 ओम, ठीक है क्या? और तुम्हें निकालना था इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब देखो ब्रांचिंग कर लेते हैं। ये एक ब्रांच हो गई देखो तुम्हारे पास, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। अब देखो ये भी एक ब्रांच है, ठीक है। इस ब्रांच में देखो ये 10 ओम और ये 10 ओम अगेन सीरीज में आ रहे हैं, तो सीरीज़ में आने पर मैं सिंपली उनको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है क्या? ये हो गया ऐसा, ये दोनों को ऐड करने से आएगा 20 ओम, ठीक है क्या? और ये रहेगा इसके साथ पैरेलल में 20 ओम एक और, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गए, उसके बाद ये 10 ओम हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया 20 ओम, ठीक है। और ये दो एंड पॉइंट्स तुम्हारे जिसके अक्रॉस तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब तुम देखो ये जो 20 ओम है और ये वाला जो 20 ओम है, दोनों के कोने देखो बंधे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों के कोने समान है, दोनों जो 20 ओम है वो दोनों इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में बंधे हुए हैं, ठीक है। जब जब एंड पॉइंट समान होता है दो रेजिस्टर्स के बीच में तो वो पैरेलल होते हैं। तो 20 ओम और 20 ओम का अगर तुम पैरेलल लोगे तो वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 10 ओम, ठीक है। तो अगेन मैं सिंप्लीफाई करता हूँ सर्किट डायग्राम को, 20 ओम और 20 ओम को क्लब कर लो तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? ये हो गया 10 ओम, ठीक है। ये 20 गया और ये 20 गया और उसके बजाय मैंने ये लिख लिया 10 ओम, और देखो फिर ये तुम्हारा 10 ओम वैसी का वैसी, ठीक है। और ये हो गया 20 ओम, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसमें ब्रांचिंग कर लेते हैं अगेन। ये देखो एक ब्रांच अभी ये है और एक ब्रांच तुम्हारी ये है, ऐसा, ठीक है। तो तुम ब्रांच किसको बोलते हो? जब तक के तुम एक ही ब्रांच में हो जब तक एक ऐसा करंट की स्प्लिटिंग नहीं हो रही, यहाँ पर कहीं भी करंट की स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहाँ पर कहीं भी करंट की स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक है। दो ब्रांचेस हैं तुम्हारे पास। अब देखो ये इस ब्रांच में ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर अगेन सीरीज में है, तो ये दोनों को क्लब कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 20 ओम, ठीक है। और वो देखो इसके साथ आ जाएगा, ये हो गया 20 ओम, ठीक है। ठीक, और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ए, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट बी,
ऐसा। अभी मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो तुम ये वाला 20 ओम और ये वाला 20 ओम दोनों अगेन ए और बी के अक्रॉस बंधे हुए हैं, दोनों के एंड पॉइंट समान है, तो तुम क्या कर सकते हो 20 ओम और 20 ओम का पैरेलल कितना हो जाएगा भाई 10 ओम। ठीक है, तो ये देखो ये कैसा इक्विवेलेंट बन गया तुम्हारा 10 ओम, और यही तुम्हें करना था। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारे पास अब आ चुका है 10 ओम। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। यही तुम्हारा 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा ए और बी के बीच में। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स हैं तुम्हारे पास एक्सरसाइज शीट में। ठीक है, एक्सरसाइज शीट देखो उसमें इसको उधर ले लेते हैं ज़रा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो एक्सरसाइज शीट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले कौन कौन से सवाल रहेंगे। ठीक है, इसमें देखो एक एक करके मैं थोड़ा सा बता लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमको निकालना है। ठीक है, कैसे करोगे देखो, ये दोनों दिख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि एंड पॉइंट समान है, और ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये देखो यहाँ पर एक ही ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो ये सीरीज में हो गया। ये वाला सीरीज में आने के बाद, अच्छा ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों सीरीज में नहीं है। ठीक है, देखो इसमें ब्रांचिंग मैं तुमको बता देता हूँ, ब्रांचिंग कौन कौन से ब्रांचेस है। देखो ये एक ब्रांच, फिर ये वाली बाहर वाली एक ब्रांच, और फिर ये एक ब्रांच है। ठीक है, एक ब्रांच में एक ही रेजिस्टेंस रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, सीरीज के लिए एक ब्रांच में एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें देखो अगले वाले में जैसे थर्ड वाला देखो कैसे करोगे। ठीक है, ये देखो जो 6 ओम है और ये जो 4 ओम है, दोनों इन दो पॉइंट्स के बीच में बंधे हुए हैं, तो ये दोनों को क्लब कर लो वाया पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों क्लब होने के बाद कितना आ जाएगा, लेट से तुम्हारे पास 4 पैरेलल 6 अगर तुम करोगे, 4.6/10, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 2.4 ओम ऐसा। ठीक है, और ये 2.4 ओम देखो ये 2 ओम के साथ और ये 2 ओम के साथ सीरीज में आ जाएगा, करके देख लेना, मतलब आगे बन जाएगी तुमसे सिचुएशन। ठीक है, तो लेट से एक और बना कर देख लेते हैं, जैसे पाँचवा वाला बना कर देख लेते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ वाला बना कर हम लोग देख लेते हैं कैसा बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारे सामने सवाल दिया हुआ है। ठीक है, क्या ये सवाल है अपने सामने, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अपने को। ठीक, तो देख लो कैसे करोगे। 15 ओम। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे ये वाली तीनों चीज़ें देखो, ये तीनों रेजिस्टेंसेस कैसा पैरेलल में, क्यों, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस के एंड पॉइंट देखो समान है, दिख रहा है क्या, तीनों रेजिस्टेंसेस के एंड पॉइंट समान है भाई। इसको ऐसा तुम बना कर दिखाओ, सर्किट डायग्राम ओपन बना लेते हैं। ये हो गया 15 ओम। ठीक है, ये हो गया 15 ओम, ये हो गया 15 ओम, ये 15, ये 15, ये हो गया 15। ठीक है, ये ऐसा, ये ए, ये बी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रजिस्टर का, ये रजिस्टर का और ये रजिस्टर का, तीनों के एंड पॉइंट्स कैसा समान है, यही दोनों एंड पॉइंट्स है इसके, तो ये तीनों तो क्लब हो जाएंगे पैरेलल में। उसके बाद देखो ये दोनों के भी, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर के भी एंड पॉइंट्स कैसा समान है, यही इसके एंड पॉइंट्स हैं, ये दोनों रजिस्टर्स के ये एंड पॉइंट्स हैं और ये तीनों रजिस्टर का ये एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों तुम एक साथ क्लब कर सकते हो। 15 और 15 का अगर तुम क्लबिंग करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 15/2। ठीक है, 15/2 ओम्स, ये दोनों का क्लब होकर ये आ गया, और ये तीनों का क्लब होकर कितना आएगा 1/R विल बी इक्वल टू 1/15 + 1/15 + 1/15, दैट वुड बी 3/15, दैट वुड बी 1/5। इसका मतलब R कितना हो गया तुम्हारे पास 5। ठीक है, तो ये तीनों का क्लब होकर तुम्हारे पास आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ठीक है, अब देखो ये एक ही ब्रांच है, ये जो पूरी ब्रांच है, ये पूरी एक ही ब्रांच है, ये तो पूरा एक ही ब्रांच है, एक ही करंट फ्लो करेगा तीनों के अक्रॉस। ठीक है, तो ये तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 15 + 15/2 + 5, ये कितना हो गया 20 + 7.5, दैट वुड बी 27.5 ओम। ठीक है, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाकी जो सवाल हैं, ठीक है, वो तुम कर सकते हो अब। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ये देखो एक और ये वाला सवाल तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 28 का तो पूरा करना ही है, अब 35 भी कर सकते हो, 36 भी कर सकते हो। ठीक है, और कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं अच्छी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले, जिसमें कि
एक डिज़ायर्ड रेजिस्टेंस तुमको क्रिएट करना रहता है फ्रॉम नोन रेजिस्टेंसेस। जैसे कि अगर तुम्हें कोई ये बता दे कि लेट्स से, जैसे एक सवाल तुम करके देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है चलो खुद ही सवाल क्रिएट कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखो यहाँ लेट्स से तुम्हारे पास 2 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, 3 रजिस्टर्स हैं 2 ओम के, ठीक। तो तुम्हें जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है 2 पॉइंट्स के बीच का, वो लेट्स से 3 ओम है, ठीक है। 3 ओम का डिज़ायर्ड रेजिस्टेंस तुमको क्रिएट करना है, और दूसरी जगह तुमको लेट्स से 2/3 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, और थर्ड केस में तुम्हारे पास ये दिया हुआ है कि 6 ओम का रेजिस्टेंस तुमको क्रिएट करना है, ठीक है। 3 रजिस्टर्स हैं तुम्हारे पास, तीनों की वैल्यू 2 ओम है, इसको तुम कैसा कनेक्ट करोगे इन तीनों रजिस्टर्स को आपस में, सो दैट एक बार तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम मिलेगा, दूसरी बार 2/3 मिलेगा, और तीसरी बार 6 ओम मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये देखो कि ये 6 ओम वाला तो बहुत ही आसान है, तो ये 2 ओम वाले रजिस्टर्स तीनों के तीनों अगर तुम सीरीज में पटक दो तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये कितना आ गया तुम्हारे पास 2 2 2, ये एक ही ब्रांच हो गया, एक ही ब्रांच में होने की वजह से तीनों का कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है तुमसे, ठीक है। 2/3 ओम कैसे कर सकते हो, देखो अगर तीनों रेजिस्टेंसेस को 2 ओम को और 2 ओम को अगर तुम पैरेलल में जोड़ दो, ठीक है, ऐसा तुम तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 1/2 + 1/2 + 1/2, ये हो गया 1/r, दैट वुड बी कितना हो गया, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास, r इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 2/3, ठीक है। ये आ जाता है तीनों अगर पैरेलल में जोड़ दो। अब देखो 3 ओम कैसे ऑब्टेन करोगे तुम, ये अच्छा है, 3 ओम कैसे ऑब्टेन करोगे, 2 को पैरेलल में रखो, ठीक है, 2 रजिस्टर्स को पैरेलल में रखो और उसको इसके साथ सीरीज में कर दो, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ऐसा ये दोनों देखो तुम देख सकते हो कि पैरेलल में, तो 2 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये यहाँ पर 2 ओम तो वैसी का वैसी रखा ही हुआ था, ठीक है। तो ये 2 ओम और 1 ओम बाद में फिर सीरीज में हो जाएंगे और फिर उससे आ जाएगा तुम्हारे पास 3 ओम, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये 3 ओम तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन के तैयार है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सवाल दिए जा सकते हैं जिसमें कि एक डिज़ायर्ड रेजिस्टेंस तुम्हें ऑब्टेन करना रहेगा फ्रॉम गिवन नोन रेजिस्टेंसेस, ठीक है, क्या वो सवाल में दिया हुआ रहेगा। तो बेसिकली थोड़ा सा इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन करके तुम जो भी डिज़ायर्ड रेजिस्टेंस है, जो भी मनचाहा रेजिस्टेंस है, वो तुम ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है क्या। इक्वलेंट रेजिस्टेंस